लेकिन इस साल जो है मैंने रेजोल्यूशन लिया है कि मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू कंसिस्टेंट रहूंगा, कंटिन्यू भी नहीं बोल सकते, कंसिस्टेंट रहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर बेस्ट विशेस। धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पूरा भरा हुआ है मैसेज से। 200 के ऊपर इंस्टाग्राम पे मैसेजेस थे कल। यूट्यूब पे कॉमेंट्स भी बहुत सारे थे, कुछ 150 के करीब कॉमेंट्स भी थे। सबको मैं रिप्लाई नहीं दे पाया, ऑफकोर्स इंस्टाग्राम पे भी सबको मैं थैंक यू बोल नहीं पाया। जितने हो सके पॉसिबल करता गया मैं, बहुत सारे एक्चुअली जितना स्क्रोल करो उतने मैसेजेस थे, मैं ज़्यादा हाँक नहीं रहा हूँ, लेकिन थे जो है वो रियलिटी है। तो जिन जिन लोग को मैं रिप्लाई नहीं दे पाया उनके लिए थैंक यू सो मच। वीडियो जो है वो एंड तक पूरी देखना, क्योंकि एंड में जो है मैंने आप लोगों को सबको मेंशन किया है, इंडिविजुअल को, एक एक को, जिन जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया था, जिन जिन लोगों ने कॉमेंट किया है, इंडिविजुअली मैंने सबको थैंक्स बोला है। वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टू अंकित कनौजिया व्लॉग्स। एग्जाम का रिजल्ट लग के ऑलमोस्ट 2 दिन हो चुका है, 29 को रिजल्ट आया था, आज है 31st of December। आज का जो प्लान है वो है पार्टी करनी है दबा के, क्योंकि जो है 29 को मैंने जो पार्टी की थी वो छोटी मोटी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बड़ी पार्टी आने वाली है। सो मेरे अंकल ने जो है उन्होंने पार्टी जो है अरेंज की है मेरे लिए, तो वो आज हम लोग करने वाले हैं पार्टी। तो वो आपको मैं पूरा दिखाऊंगा कि सेलिब्रेशन कैसे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या क्या है सेलिब्रेशन के टाइम पे, तो वो सब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। एंड प्रिया का जो है वो बर्थडे भी है आज, तो अगर प्रिया देख रही है तो विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, एंड लिव लॉन्ग स्टे ब्लेस्ड, एंड माय बेस्ट विशेस विद यू ऑलवेज, स्टे पॉजिटिव स्टे हेल्दी। तो गाइस फायरवर्क्स जो है वो आ चुके हैं, एंड केक वगैरह मैं लेने गया था, केक कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब लेके आके फ्रिज में रख दिया है। और प्रिया के लिए गिफ्ट भी लेना था मुझे कुछ अच्छा, तो वो भी मैंने ले लिया है, वो मैं एंड में दिखाऊंगा जब दूंगा उसको। और अभी बज रहे 7 और मैंने सबको जो है इन्वाइट किया है 9 बजे, तो 2 घंटे में सब आते ही होंगे धीरे धीरे। सो फटाफट से मैं भी रेडी हो जाता हूँ, थोड़ा नहाना है मुझे और चेंज करना है, और मैं कुछ स्पेशल आज पहनने वाला हूँ, वो काफी स्पेशल है मेरे लिए, क्यों ये आपको आगे पता चल जाएगा। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। सो गाइस आई एम प्रॉपरली वेल ड्रेस्ड नाउ एंड रेडी फॉर द पार्टी। सो चलते हैं बाहर में, केक काटना है, केक फटाफट से काटते हैं। दिस इज द आउटफिट आई वाज टॉकिंग अबाउट, एंड ये इसलिए इतना ज्यादा स्पेशल है मुझे क्योंकि मैं इसी में डिग्री लिया था अपना। अगर आप लोग ने मेरा डिग्री वाला ब्लॉग देखा रहेगा तो आपको पता होगा कि मैंने डिग्री जो लिया था वो इसी में लिया था, एंड उसके बाद से मैंने आज तक कभी इसको पहना ही नहीं क्योंकि कोई ऐसा इवेंट ही नहीं आया, एंड मैंने फिर दिमाग में सोच के रखा था कि जब पास हो जाऊंगा तब इसको वेयर करेंगे। और टाई इसलिए नहीं पहन रहा हूँ मैं क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही फॉर्मल हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। मेरा फेवरेट फेवरेट, मुझे हमेशा से लेना चाहिए। तूने बोला था ना कि मुझे टेडी चाहिए एक बड़ा। अभी हम लोग यहाँ रहे हैं, फायर क्रैकर्स लगाएंगे अभी, और न्यू ईयर भी होने वाला है कुछ, कितना 5 मिनट बाकी है ना, 5 मिनट में न्यू ईयर होने वाला है, तो काफी आवाज आ रहा होगा पटाखा फोड़ने का। नेक्स्ट वाला लगाने जा रही है मम्मी। अंदर रहता है। अरे
द लास्ट वन और ये सबसे बड़ा वाला है एंड ये फोड़ने वाले है चाचू। चाचू मजा आ रहा है? अरे बहुत मजा आ रहा है। हैप्पी न्यू ईयर बोल दो। मम्मी हैप्पी न्यू ईयर। सो गाइज नाउ गोइंग होम। रात के 12:30 बज रहे हैं अभी। एंड ऑफ द पार्टी ही है। सो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर 2022। काफ़ी अच्छा था 2021 का ये साल मेरे लिए। आप लोगों के लिए कैसा था आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों के लिए ये साल कैसा था। नेक्स्ट ईयर के लिए आपके लिए अच्छी अच्छी विशेस। अगला साल जो है और भी सक्सेसफुल जाए और भी हेल्दी जाए। सो गाइज बैक टू होम। थोड़ा आवाज़ आता होगा बाहर, डैड जो है मूवी देख रहे तो। एनीवेज बहुत टायरिंग डे था आज का। काफ़ी मज़ा आया पार्टी करने में, फायर क्रैकर्स लगाने में। नया साल शुरू हो रहा है, कल 1 जनवरी है, फर्स्ट डे ऑफ 2022। सो आप लोगों ने कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया कि नहीं? मैंने तो लिया है। मैंने सोचा है इतने दिन से नहीं बोल सकते, सालों से 2018 में मैंने ये चैनल ओपन किया था एंड तब से लेके आज तक मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं हुआ इस चैनल को लेके। एंड क्योंकि मेरा जो है स्टडीज़ से मैं बीच बीच में गायब हो जाता था स्टडीज़ की वजह से, लेकिन इस साल जो है मैंने रेजोल्यूशन लिया है कि मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू कंसिस्टेंट रहूँगा। कंटिन्यू भी नहीं बोल सकते, कंसिस्टेंट रहूँगा। तो आप लोग कमेंट करो आप लोगों ने क्या रेजोल्यूशन लिया है इस साल। बात करता हूँ मेंशन करने का कि मैंने कहा था कि मैं मेंशन करूँगा पर्सनली इंडिविजुअली एक एक को, बट जो है वो इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे वो टास्क, बिकॉज इतने सारे हैं कि मैं सबका स्क्रीनशॉट लेके ऐड भी करते जाऊँ तो 4-5 दिन और निकल जाएंगे वीडियो एडिट करने में। इसलिए क्योंकि सबको अगर मेंशन करूँगा तो सबको मुझे स्क्रीनशॉट भी देने पड़ेंगे एंड फिर एडिटिंग का लोड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इससे अच्छा मैं सब लोगों को एक साथ जो है थैंक यू बोलता हूँ फिर से, जिन लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया है। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। एंड मुझे कुछ लोगों को जो है मेंशन करना था यहाँ पे, जो मैं जिनको पर्सनली जानता हूँ, जिन लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। आई वुड लाइक टू थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल माय पेरेंट्स, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हर टाइम पे मुझे सपोर्ट किया। कभी भी उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि तुझसे नहीं हो पाएगा या अब छोड़ दे, तो ऐसे कभी नहीं बोला, हमेशा मेरे साथ में रहे। फर्स्ट ईयर में भी जब मैं स्ट्रगल कर रहा था काफ़ी वहाँ पे ओश में, तब मुझे सपोर्ट किया। देन सेकेंड थर्ड ईयर में मैं बीमार पड़ता था काफ़ी बार बार, क्योंकि ठंड वहाँ की मुझे सहन नहीं होती थी एंड थोड़ा डाइजेशन का भी प्रॉब्लम था, क्योंकि वहाँ का फूड जो है थोड़ा हैवी होता है तो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता, तो मुझे डाइजेशन की भी काफ़ी तकलीफ होनी। तब भी मैं जब बोलता था मेरे को इंडिया आना है तो मुझे सपोर्ट करते थे, घर बुला लेते थे। देन एक्सपेंस जो है टिकट का काफ़ी ज़्यादा होने का, साल में मैं तीन बार भी आ चुका हूँ घर पे, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस होने का, लेकिन कभी उन्होंने बोला नहीं कि ये हो रहा है वो हो रहा है प्रॉब्लम हो रहा है फाइनेंशियल। एंड एंड तक सपोर्ट दिया। MCA क्लियर नहीं हुआ फर्स्ट अटैम्प्ट में, तब भी वो बोले कि कोई बात नहीं नेक्स्ट अटैम्प्ट में हो जाएगा, तो तब भी मुझे सपोर्ट किया, तो हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। नेक्स्ट में जो है थैंक करना चाहता हूँ प्रिया को, जिसने मुझे फर्स्ट ईयर में मेरी फ्रेंडशिप उससे हुई थी, देन फर्स्ट ईयर से लेकर आज तक उसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है हर पीरियड में। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया उसी तरह वो भी हमेशा मेरे साथ रहती थी। जब भी मुझे लो फील होता था मैं मैसेज कर देता था तो अवेलेबल रहती थी वो, हमेशा मोटिवेट करती थी मुझे, इंस्पायर करती थी मुझे। उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा बैक किया, हमेशा मुझे जो है आगे जाने के लिए हिम्मत दी है, सो स्ट्रेंथ दिया है मुझे। जो चीज़ मैं पेरेंट के साथ शेयर नहीं कर सकता था बिकॉज ऑफ एज एंड बिकॉज ऑफ रिलेशन, तो मैं उसको बताता था, तो वो मुझे, क्योंकि वो सेम एज की है तो वो मुझे हेल्प करती थी। सो काफ़ी ज़्यादा उसने भी मुझे सपोर्ट किया है। देन मैं अपने कुछ बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो मेरे बचपन के फ्रेंड्स हैं, लाइक शुभम, संकेत, तुषार, ये भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज है मेरे, इन्होंने भी मुझे हर बार सपोर्ट किया जब भी चाहिए। देन आई वुड लाइक टू थैंक माय ओश फ्रेंड्स, जो मुझे ओश में जाने के बाद मिले, अगर वो नहीं होते तो शायद मैं ओश में रहता भी नहीं, घर पे आ जाता रिटर्न, क्योंकि ओश में जो है हमारे फ्रेंड्स ही काम आते हैं गाइस, बिना फ्रेंड्स के वहाँ पे कुछ नहीं है। जो जितना भी जो है एक्चुअली आपके पेरेंट्स है वो वहाँ पे, इतना मैं बोल सकता हूँ, आपके फ्रेंड्स ही वहाँ पे आपके पेरेंट होते हैं, तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए अगर आप ओश में हो, मीन्स MBBS एब्रॉड जहाँ भी कर रहे हो, तो उस यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स ही आपके जो है काम आएंगे वहाँ पे, क्योंकि पेरेंट्स तो होते नहीं वहाँ पे, तो ये फ्रेंड्स ही हमारे जो है वो माँ बाप होते हैं हमारे, तो मैं उन लोग को भी थैंक्स करना चाहूँगा। तो कुछ ग्रुप मेंबर्स है मेरे, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक थैंक राजन भाई, फर्स्ट ईयर से लेके एंड तक मेरे साथ में थे,
तो राजन भाई को लॉट्स ऑफ थैंक्स, देन विवेक गुप्ता ऑल्सो, देन अविनाश गोयल, परविंदर कुमार ऑल्सो, शारी कोस्तव, प्रशून, देन हेमंत ऑल्सो, दिनेश विच इज अगेन माई क्लोज फ्रेंड, देन आई वुड लाइक टू थैंक आदिल मुदसिर ऑल्सो. आई मेट न्यू फ्रेंड्स लाइक शाहुल एंड श्रीजीत, वो भी काफ़ी क्लोज थे मेरे, उन्होंने भी काफ़ी मुझे सपोर्ट किया था. एंड अगर और किसी के नाम लेना भूल गया तो मैं कॉमेंट बॉक्स में मैंशन कर दूंगा. देन आई वुड लाइक टू थैंक माई जूनियर्स, जिन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प की है. मुझे खाना बनाने नहीं आता था तो खाना खिलाते थे मुझे यार अपने हाथ से बना के, तो उन लोग को भी थैंक्स. मैं स्पेशली थैंक करना चाहूँगा मेरे जूनियर्स को, जो है जियाउर हो गया, मुजाहिदुर रहमान हो गया, मोल सत्या, जिन लोग को भी मैं नाम भूल रहा हूँ. एक्चुअली इतना जल्दी क्लिक नहीं होते सबके नाम, सो मैं बाद में कमेंट बॉक्स में जो है पिन कर दूंगा. एनीवेज थैंक यू सो वेरी मच. एंड ऑल्सो इन लोग के भी सबसे ऊपर जो आते हैं वो है ऑलमाइटी गॉड. उनके बिना तो ये कुछ पॉसिबल ही नहीं होता, उनके बिना लाइफ ही पॉसिबल नहीं होती एक्चुअली. सो आई वुड लाइक टू थैंक गॉड for giving me chance for doing MBBS abroad and giving me chance to write FMGE exam also. And last but not least, आप लोग जो है मेरे सब्सक्राइबर्स, आप लोग को भी काफ़ी ज़्यादा थैंक्स. इंस्टाग्राम पे कंटिन्यूसली मुझे पिन कर रहे थे जून वाले आइटम में कि कोई बात नहीं, मुझे काफ़ी सपोर्ट करते थे उस टाइम पे भी. काफ़ी सब्सक्राइबर्स मेरे फ्रेंड भी बने हैं यूट्यूब के थ्रू, तो उन लोग को भी काफ़ी ज़्यादा थैंक्स. एंड आप लोग के बिना भी ये पॉसिबल नहीं होता. अगर आप लोग मुझे वो मोटिवेशन नहीं देते कमेंट बॉक्स में आके जून वाले वीडियो के नीचे, एंड इंस्टाग्राम पे पर्सनली आके मुझे मोटिवेट नहीं करते, तो शायद थोड़े मार्क्स इस बार भी कम रहते. लेकिन आपके उस मोटिवेशन, उस वर्ड्स की वजह से भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी. एंड मैं अपने जूनियर्स को जो है रिटर्न्स में, या जो अभी पेपर देने वाले हैं उनको, इस उनको रिटर्न्स में जो है मैं भी मोटिवेट करना चाहता हूँ. तो कोई भी अगर देख रहा है जूनियर या जो FMGE देने वाला है, वो मुझे पर्सनली आके जो है इंस्टाग्राम ID पे, जो यहाँ पे डिस्प्ले में दिख रही होगी, तो इसके ऊपर आके मुझे टेक्स्ट कर सकता है. मैं उसको ज़रूर हेल्प करूँगा जितना मुझसे हो सके. एंड करते हैं इस वीडियो को. सो आज है लास्ट डे 31st December. जितने भी लोग अगर फेल हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कल से नया एक फ्रेश स्टार्ट लो. एंड फॉर रेजोल्यूशन लो कि इस बार जो है जून में क्लियर करके ही छोड़ेंगे 2022 जून में. सो एंड करते हैं इस वीडियो को. दैट्स इट गाइस फ्रॉम दिस वीडियो. होप यू गाइस लाइक द वीडियो. इफ यू डिड, मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब. दिस इज अंकित गुनजिया साइनिंग ऑफ. टेक केयर. बाय बाय.